देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने में जुट गई है। शनिवार को रिमझिम बारिश के बीच कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने TIT कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बिजली के बड़े बिलों, बिजली कटौती, भ्रष्टाचार घोटाले एवं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों पर भारी वृद्धि, बेरोजगारी, महिलाओं अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार, महाकाल लोक, सतपुड़ा भवन, अग्निकांड, विद्यार्थी छात्रवृत्ति मुआवजा, आदि पुरुष फिल्म सहित अन्य मुद्दों पर विधायक रवि जोशी सहित पदाधिकारियों ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है, बदलाव का समय आ गया है। वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय पर भी इसी तरह महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर शनिवार को पुराने कलेक्ट्रेट भवन के सामने जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के नेतृत्व में धरने में बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। आज मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, जिला मुख्यालय पे, जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे समस्त जिलों में महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, तमाम मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था 11 बजे से 1 बजे तक। लेकिन कम से कम 10:45 बजे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनमानस और महिलाएं आज एकत्रित हुई और 1:15 तक तेज बारिश में धरना कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद हमने धरने के पश्चात जो ज्ञापन देना था इस भ्रष्ट सरकार के अधिकारियों को देने के बजाय हमने बापू के चरणों में वो ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के माध्यम से रखवाया। महंगाई चरम पर है। आज खाद्य तेल 225 रुपये किलो, दाल 150 रुपये किलो, खाद्य सामग्री ऐसे उछाल पे है। जो आटा गरीब से लेकर अमीर तक सब खाता है वो 40-50 रुपये किलो तक आटा पहुंच चुका है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी को लेके, महिला उत्पीड़न को लेके बेरोजगार साथियों की ऐसी हालत है कि सड़कों पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस बात को लेके एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप खरगोन जिले की मुख्यमंत्री और खरगोन जिले में लगातार मुख्यमंत्री जी आते हैं, अब वो क्यों आते हैं वही जाने। 14 दिसंबर को खरगोन में आए थे, लगभग जो तारीख अगर मेरे संज्ञान में है 14 दिसंबर 2022 को आए थे। मंच पे घूम घूम के उन्होंने अधिकारियों को, ठेकेदारों की और क्लास ली और बोला कि 31 जनवरी को बिंजलवाड़ा का पानी, विस्तार लिफ्ट इरिगेशन का पानी किसानों को मिल जाएगा, जिसका एक बूंद पानी किसानों को आज दिनांक तक 6 महीने ऊपर हो गए, एक बूंद किसानों को पानी नहीं मिला है। और हम दावा करते हैं कि इनकी जो परियोजना है, इनकी पूर्व में भी एक BR3 नाम की जो परियोजना थी जो बन के तैयार हुई थी और पहला पानी भरा था तो डैम फूटने की नौबत पे आ गई थी, तो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने 150 करोड़ रुपए पुनः मंजूर करे और उस परियोजना के डैम का भी रिनोवेशन हुआ तत्काल, पहली बार पानी भरने के तत्काल बाद, और पाइपलाइन का भी रिनोवेशन हुआ। इनने पैसे को बत्ती दी, भ्रष्टाचार।